यहोशु अध्याय 12। यहोशु अध्याय 12। यर्दन पार सूर्योदय की ओर अर्थात अर्नोन नाले से लेकर हेरमोन पर्वत तक के देश और सारे पूर्वी अराबा के जिन राजाओं को इसराइलियों ने मारकर उनके देश को अपने अधिकार में कर लिया था, ये है एमोरियो का हेशबोन वासी राजा सिहोन जो अनान नाले के किनारे के अरोएर से लेकर और उसी नाले के बीच के नगर को छोड़कर यब्बोक नदी तक जो अम्मोनियों का सिवान है आधे गिलात पर और किनेरेत नाम ताल से लेकर बेथ शिमोत से लेकर अराबा के ताल तक जो खारा ताल कहलाता है पूर्व की ओर के अराबा और दक्षिण की ओर पिस्का की सलामी के नीचे के देश पर प्रभुता करता था। फिर बचे हुए रपाइयों में से बाशान के राजा ओक का देश था जो अश्तारोत और एद्रेइन में रहा करता था और हेरमोन पर्वत सलका और गशुरियों और माकियों के सिवाने तक कुल बाशान में और हेशबोन के राजा सिहोन के सिवान तक आधे गिलाद में भी प्रभुता करता था। इसराइलियों और यहोवा के दास मूसा ने इनको मार दिया और यहोवा के दास मूसा ने इनका देश रूबेनियों और गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को दे दिया और यर्दन की पश्चिम की ओर लबानोन के मैदान में के बालगाच से लेकर सेर की चढ़ाई के हालाक पहाड़ तक के देश के जिन राजाओं को यहोशू और इसराइलियों ने मारकर उनका देश इसराइलियों को गोत्रों और कुलों के अनुसार भाग करके दे दिया था वह ये है हित्ती और एमोरी और कनानी और परिज्जी और हिब्बी और यबूसी जो पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और अराबा में और ढालू देश में और जंगल में और दक्षिण देश में रहते थे। एक यरीहो का राजा, एक बेतल के पास के एक राजा, एक यरूशलेम का राजा, एक हेब्रोन का राजा, एक यमूर्त का राजा, एक लाकिश का राजा, एक एग्लोन का राजा, एक गेरेज का राजा, एक दबीर का राजा, एक गेरेत का राजा, एक होर्मा का राजा, एक अरात का राजा, एक लिबना का राजा, एक अदुल्लाम का राजा, एक मक्केदा का राजा, एक बेतेल का राजा, एक तप्पूह का राजा, एक हेपेर का राजा, एक अपेक का राजा, एक लशारोन का राजा, एक मादोन का राजा, एक हासोर का राजा, एक शिमरोमरोन का राजा, एक अक्षाप का राजा, एक तानाप का राजा, एक मगिदो का राजा, एक केदेश का राजा, एक कर्मेल में के योक नाम का राजा, एक दोर नाम ऊंचे देश के दोर का राजा, एक गिलगाल में के गोयम का राजा और एक तिरसा का राजा है। इस प्रकार सब राजा 31 हुए।